सिरल कयामत की रात में आज शादी के बाद घर में गृह प्रवेश हो रहा है गौरी का। जी हाँ, राज और गौरी का शादी के बाद हुआ घर में स्वागत, जहाँ पूरा परिवार मिलकर करते हैं पूजा, जिसके बाद गौरी को दिया जाता है चाभी का गुच्छा तोहफे के तौर पर। लेकिन ये तोहफा गौरी लेने से करती है इनकार, लेकिन उनकी सासू माँ खुशी से उन्हें ये जिम्मेदारी देती हैं। वहीं गौरी ने जताई अपनी इच्छा सुमेरगढ़ जाने के लिए, वो भी राज के साथ, क्योंकि पहली बार राज के साथ प्यार का एहसास उन्हें वहीं पर हुआ था। वेल, गौरी की सासू माँ इस बात के लिए हो जाती हैं तैयार, लेकिन गौरी की प्लानिंग तो कुछ और ही है। वो जानना चाहती है सुमेरगढ़ का असली राज। वहीं दूसरी तरफ आज पहली बार अपने पापा के बिजनेस में काम करने के लिए तैयार हो गए हैं राज और जा रहे हैं ऑफिस, लेकिन तभी पीछे से रोक लेती हैं गौरी उन्हें, जिसके बाद दोनों में दिखा क्यूट मोमेंट भी। इसी बीच गौरी राज को शगुन की दही खिलाती हैं, जिस पर राज उनसे पूछते हैं सवाल कि क्या वो भी मानती हैं इन सब चीजों को। लेकिन गौरी का असली मकसद तो था राज को रुकाकर उनके हाथ में रक्षा की मौली देखना। वेल, राज और गौरी के बीच क्यूट मोमेंट चल ही रहा था, तभी वहाँ पहुँच जाती है करुणा और वो गौरी से कहती है कि कोई उसे बुला रहा है। वेल, करुणा का टारगेट तो बस राज है, वो हमेशा राज और गौरी के बीच में आ ही जाती है। अब देखना है कि किस तरह गौरी सबको बचाएगी और कैसे जान पाएगी सुमेरगढ़ का असली राज। गौरी ने जबरदस्ती करुणा को धोखा देते हुए शादी की है, तो अब उसकी भुगतान तो उसको करनी पड़ेगी। एंड नाउ करुणा इज ऑब्वियसली गोइंग टू टेक रिवेंज, एंड द रिवेंज व्हिच इज कमिंग फॉर दिस फैमिली इज वेरी डेंजरस एंड इट्स इनएविटेबल, और जो होने वाला है वो तो अब होके ही रहेगा।